Welcome to my channel. Please subscribe my channel for updates. कुछ foods हैं जो बहुत जल्दी बना सकते हैं, food that you cook quickly for your family. जब भी हम खाना बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही होता है कि हम क्या बनाएं, और जब बच्चों के टिफ़िन में रखने के लिए होता है तो हम यही सोचते हैं कि बच्चों को क्या पसंद होगा और सुबह इतनी जल्दी बन पाएगा कि नहीं. स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं और जो हाउसवाइफ्स और जो वर्किंग वूमेंस होती हैं वो यही सोचती हैं कि जल्दी से कुक करके हम बना सकें, इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे. तो ऐसी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो हम जल्दी से बना सकते हैं, और कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी हैं जिनके लिए अगर हम कुछ मटेरियल्स पहले से अगर रेडी रखते हैं, अगर एक बार रेडी कर लेते हैं तो हम उसको एटलीस्ट 2-3 वीक्स हम बाद भी हम उसे यूज़ कर पाते हैं. तो वही कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. हम में से सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा टाइम बचे और हम जल्दी कम से कम टाइम में खाना अपना जो फूड है वो जल्दी से तैयार करें. स्पेशली जो वर्किंग वूमेन है, स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हम कम टाइम में, जिससे कि वो स्टडीज़ में फोकस कर सकें, और जो वर्किंग वूमेन हैं वो ये सोचती हैं कि जिससे कि वो जल्दी से ऑफिस जा सकें, और उनके पास टाइम भी कम होता है, उन्हें घर भी संभालना है और बाहर का भी, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है. तो इसके लिए वो काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो हम इजीली कुक कर सकते हैं बच्चों के टिफ़िन में रखने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, टिफिन के लिए. और जैसे इसमें है चीला, सेव की सब्ज़ी, पुलाव, खिचड़ी, दलिया, ब्रेड पकौड़ा विदाउट आलू, ढोकला. तो कुछ हैं रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं. फर्स्ट है इसमें सूजी का हलवा है, हम बच्चों के टिफ़िन में इसको रख सकते हैं और ये हमारे लिए हेल्दी भी है रेसिपी. पर यही है कि अगर इसमें हम घी का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम करें तो ये हेल्दी रेसिपी भी है हमारे लिए. और बेसिकली जब हम अष्टमी होती है तो हम पूजन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और ये साउथ इंडिया में भी यूज़ होती है, पर उसमें वहाँ पे सैफरन और केसर डाला जाता है और उसका नाम थोड़ा वहाँ पे चेंज है, रवा केसरी है. तो ये बहुत जल्दी कुक कर सकते हैं. और अगर हम इसमें जो रवा है, जो सूजी है, अगर हम उसको पहले से ही भून कर काफ़ी सारे अमाउंट में, जैसे हम लेकर आते हैं, तो अगर 1 kg सूजी हम भून कर रख लेते हैं तो एक तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, दूसरा जब हम बनाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम सूजी के हलवे में उसको रोस्ट करने में ही लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता. तो इससे हम अगर जो सूजी हम रोस्ट करके रखते हैं, हम उससे सूजी का हलवा भी बना सकते हैं, उपमा भी बना सकते हैं. तो अभी मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. इसमें हम थोड़े चेंजेस भी ला सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग. तो इसके लिए हमें 1 कप सूजी, 1 कप शुगर. शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाना चाहते हैं तो कम. तो 4 कप ऑफ वाटर, 1/2 कप घी, और 1/4 teaspoon ऑफ ग्रीन कार्डमम, इलायची, हरी इलायची, जो उसका पाउडर नहीं है तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 tablespoon आलमंड्स जो गार्निश के लिए, ये ऑप्शनल है, आप अगर गार्निश करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई इसमें कंपलसरी नहीं है. और जो घी है, 1/2 कप घी हमने लिया है, आप चाहें तो इसके अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम ऑयली खाना चाहते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं. मैंने इसमें रोस्टिंग का भी ऐड किया हुआ है, अगर आपकी सूजी ऑलरेडी रोस्टेड है तो आपको घी कम डालना पड़ेगा. हम पैन लेते हैं, कढ़ाई लेते हैं, और उसमें हम डिजॉल्व द शुगर इन द वाटर, हम वाटर में कुछ पानी लेते हैं और उसमें शुगर डालते हैं ओवर लो हीट पे, कम आँच पे, एंड कीप ऑन सिमर टिल रिक्वायर्ड, और हम सिम पे ही रखते हैं, ठीक है. जब ये बॉयल होने लगता है उसके बाद, इन अ डीप हैवी बेस सॉस पैन, हम एक और हैवी बेस सॉस पैन लेते हैं, उसमें हम घी डालते हैं, मल्ट करते हैं उसको, और जो हमारे पास ऑलरेडी रोस्टेड सूजी है हम उसमें डालते हैं. और अगर रोस्टेड सूजी आप बनाना चाहते हैं तो मैंने नीचे इसमें दिया हुआ है कि हम एक पैन लेते हैं हैंडल वाला, उसमें एक सॉस पैन लेते हैं, उसमें घी मल करते हैं, थोड़ा सूजी डालते हैं, उसको स्टर करते हैं. वैन द सूजी इज़ लाइट ब्राउन, जब सूजी लाइट ब्राउन हो जाती है उसमें अच्छी सी स्मेल आने लगती है, और जब वो हमारा जो बर्तन है, जो चमचा हम जिससे उसको हिला रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, तो अगर वो उसमें नहीं चिपकती है तो इट मीन्स वो आपकी बन चुकी है, सूजी रोस्ट हो चुकी है अच्छे से,
गेट अ ग्लॉस। और इसको हम फुल फुल फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अगर फुल फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगी, और इसको स्टर करते रहेंगे जब तक ये भुन नहीं जाती, नहीं तो वो नीचे स्टिक हो सकती है, ठीक है, चिपक सकती है, विच मीन्स इट्स अ फ्राइड एनफ। अगर वो नहीं स्टिक हो रही है आपके बर्तन में और स्मेल्स अच्छी आ रही है तो इट मीन्स वो रोस्ट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये रोस्टेड शुगर हमने घी गर्म किया था उसमें डाली थी, उसको स्टर करेंगे, और फिर उसमें शुगर सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो डालेंगे, और उसमें कार्डमम इलायची का पाउडर, और जब वो बॉयल होने लगेगा तो हम सिम कर देंगे टिल द लिक्विड इज ऑब्जर्व, जब तक कि वो लिक्विड थोड़ा ऑब्जर्व नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता, मतलब इतना कि जैसा आपने हलवा देखा होगा ऐसा होना चाहिए। अगर वो लिक्विड होगा तो हमको खाने में प्रॉब्लम भी होगी, और लिक्विड हलवा तो हमें थोड़ा सॉलिड चाहिए। एट दिस स्टेज यू कैन स्टर ऑफ और नॉट बर्न। इसमें हम बीच में थोड़ा बहुत स्टर करके बीच में छोड़ सकते हैं, और हम हलवे को हॉट ही सर्व करते हैं, उसमें गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें, कुछ लोगों को ठंडा हलवा, तो हम इसको फ्रीज करके बाद में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें गार्निशिंग के लिए हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसमें काजू हो गया, किशमिश हो गई, वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो आप चाहते हैं, और कोकोनट भी इसमें ग्रेट कर सकते हैं। और सूजी को अगर रोस्ट करके रखते हैं तो वो हमारे उपमा के लिए भी यूज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारी रेसिपी उपमा है, ये भी इजी टू जल्दी से क्विकली हमारी प्रिपेयर हो जाती है, ये सूजी का हलवा प्रिपेयर होने के बाद। नाउ हेल्दी वेजिटेबल उपमा। तो वेजिटेबल की जो उपमा की जो रेसिपी है, अगर हम इसमें वेजिटेबल डालते हैं तो काफ़ी हेल्दी हो जाती है। बच्चे वैसे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हम टिफ़िन में रख देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, अगर उनकी चीज़ अच्छी हो तो उसमें मिक्स करने से। ये जो हमारा उपमा रेसिपी है काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं अपना वेट लूज़ करना तो इसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं। इफ़ यू आर समवन, साउथ इंडियन फूड भी है ये, और किड्स और एडल्ट सबको ही अच्छा लगता है और क्विकली बन जाता है। और कुछ लोगों को मीठा पसंद नहीं होता तो वो सूजी के हलवा नहीं बनाते, उपमा ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये भी हेल्दी है। एंड इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे टाइम और एफर्ट्स को हमारे रिड्यूस होते हैं, इसको बनाने कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिशेस। इसमें हमारा टाइम भी कम लगता है और हमें न्यूट्रिशन भी मिल जाती है। और हम इसके फ्लेवर्स भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग वेजिटेबल्स डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो हम इसमें काफ़ी सारी चेंजेस करके इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। हम कैश्यू, करी पत्ता, मिंट लीव्स से भी इसको वो कर सकते हैं, और हम चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। इसका जो प्रिपेयरिंग टाइम है वो 40 मिनट्स है, और टोटल टाइम और प्रिपरेशन टाइम 20 मिनट है। इसमें 460 कैलोरीज है। ये जो प्रिपरेशन टाइम है ये हमारा रिड्यूस भी हो सकता है अगर हम कुछ तैयारियाँ पहले ही करके रखें तो। तो इसमें 200 ग्राम सेमोलिना, 1 पोटैटो आप चाहे तो डाल सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, टमाटो, अनियन, ये जो वेजिटेबल्स हैं जैसे अनियन तो ठीक है, टोमेटो है, पोटैटो है, ये आप पे डिपेंड करता है, कैरेट है, कैप्सिकम है। अगर आप उसको हेल्दी बनाना चाहते हैं, उसमें डालना चाहते हैं तो आप डालिए, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है, उसके बाद भी बनता है अच्छा। 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 2 ड्राई रेड चिलीज, 1/2 टीस्पून चना दाल कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, 1/2 कप पीस मटर, 1/2 टीस्पून कोमिन सीड्स, 1 स्मॉल चॉप जिंजर है, ये भी ऑप्शनल है, 100 ml वेजिटेबल ऑयल, आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई और ऑयल अगर आप खाते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून उड़द दाल, उड़द की दाल है, वाटर इज रिक्वायर, उड़द दाल भी कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, जितना सॉल्ट अगर आप जो टेस्ट है आपको उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। हम किस तरह बनाते हैं, हम एक लार्ज पैन लेते हैं, कढ़ाई लेते हैं, उसमें कुछ ऐड वेजिटेबल, उसमें कुछ वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखे हैं वो, और उसमें ऑयल डालते हैं और हम मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं। व्हेन ऑयल बबल स्टार्ट टू राइज ऐड मस्टर्ड सीड्स, सॉरी वेजिटेबल्स नहीं ऐड करने अभी, मैं वही देख रही थी। इसमें हमें ऑयल ऐड करना है, अभी वेजिटेबल ऑयल या फिर जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो ऐड करेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जब उसमें बबल्स आने लगेंगे उसके बाद हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, कॉमन सीड्स, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जिंजर, होल रेड चिलीज, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे वुडन स्पैटुला से। और इसमें पीस, चना दाल, उड़द दाल जो हमने दी है वो ऐड करेंगे और पैन में टॉस करेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे कि वो इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसको स्टर करेंगे। मीनवाइल टेक अ चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड पे हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप कर लेंगे, जैसे अनियन है, पोटैटो है, टोमेटो, कैरेट, कैप्सिकम है, और फिर उसके बाद पैन में डालेंगे, स्टर करेंगे, ऐड एनफ वाटर, उसमें एनफ वाटर डालेंगे, वेल विथ सॉल्ट। आपको पता है कि हमें पता ही है कि सूजी जो है वो काफ़ी जल्दी पानी ऑब्जर्व कर लेती है। कवर द पैन विद द लिड एंड कुक ओवर मीडियम फ्लेम, और उसके बाद हम लिड को कवर कर देंगे, ढक देंगे जिससे कि वो मीडियम फ्लेम पे कुक हो जाए। कुक टिल द वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड थिक ग्रेवी इज फॉर्म, जब तक हमें बनाना, जब तक कि ग्रेवी थिक नहीं हो जाती और वेजिटेबल्स कुक नहीं हो जाते। नाउ टेक अ नॉन स्टिक रोस्ट सेमोलिना ओवर अ मीडियम फ्लेम फॉर अ मिनट और, जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें सूजी डालनी है फॉर अ मिनट। व्हेन वेजिटेबल्स आर कुक्ड ग्रेजुअली रोस्टेड सेमोलिना इन लिटिल रोस्टेड सेमोलिना, जो सूजी है हमारी जो रोस्ट की हुई है हमने, लिटिल ग्रेजुअली स्टर, धीरे धीरे डालनी है उसमें। कीप स्टरिंग कॉन्स्टेंटली एंड एंश्योर देर आर नो लम्प्स, इस तरह से डालनी है कि उसमें लम्प ना पड़े, उसमें गुटले ना पड़े। कुक फॉर फाइव मिनट्स ऑन अ फ्लेम, लो फ्लेम, एंड देन ट्रांसफर इट टू अ सर्विंग बाउल, और हमें 5 मिनट्स लो फ्लेम पे बनाना है उसको मिक्स करके। उसके बाद उसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और उसमें मिंट लीव्स और कैश्यू से उसको गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं। ये बेसिकली सबको गर्म ही पसंद होता है और अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है हमारा, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, 470 कैलोरीज हैं। ये देखिए, ये जो है ये वेजिटेबल्स वाला है, ये सिंपल भी बन सकता है अगर हम इसमें वेजिटेबल नहीं डालते, इसमें खाली इन्होंने शायद बटर पीस डाली हुई है बस। अब नेक्स्ट जो मेरा रेसिपी है वो बेसन का हलवा है, स्वीट है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि सेमोलिना का, तो बेसन के हलवे में भी अगर हम पहले से ही हमारे पास बेसन अगर रोस्टेड रखा हो, अगर हम इकट्ठा 1 kg जब लाते हैं तभी उसको रोस्ट करके रख लेते हैं, कुछ चीज़ें अगर हम पहले से प्रिपेयर करते हैं तो हम अगर चीज़ें बनाएंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। जैसे सूजी हुई, बेसन हुआ, इनको रोस्ट करके रख लिया, सेवैयाँ हुई, तो अगर हम पहले ही रोस्ट करके रख लेते हैं तो जब हम बनाएंगे तो हमारा उतना टाइम सेव हो जाता है। और जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं, अगर हम डोसा का मिक्सचर पहले ही बना के रखते हैं तो हम उसको उत्तपम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर हम पहले से तैयार करके रखते हैं तो हम जब काम करने जाते हैं तो हमारा टाइम बिल्कुल सेव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें रोस्टेड बेसन ही यूज़ करना होगा, देखते हैं क्या है इसकी रेसिपी। नाउ लुक एट द रेसिपीज, बेसन का हलवा, ट्रेडिशनल डेजर्ट दैट यू मेक कैन मेक एनी टाइम, इसको हम कभी भी बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है ये, बेसन से बनता है और ये जो हमारे इजीली हमारे घर में अवेलेबल होता है, घी भी, घी, शुगर, आलमंड्स, पिस्ता, सैफ्रन, रोज़ वाटर, और ये काफ़ी अच्छा है। इसको उसका नाम सुनते ही लोग के मुँह में पानी आ जाता है। ट्राई, और ये पंजाबी रेसिपी जो विंटर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, पंजाबी तो नहीं है, सभी लोग यूज़ करते हैं। टोटल टाइम 45 मिनट्स है, प्रपरेशन टाइम 10 मिनट, कैलोरी इसकी 754 मिनट है, सॉरी 754 कैलोरीज हैं इसमें। इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं 4 ग्राम फ्लोर बेसन, 2 टेबलस्पून आलमंड्स बादाम, 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर, ऑप्शन है 1/2 teaspoon ग्रीन कार्डमम हरी इलायची, 4 कप वाटर, 1 कप शुगर, शुगर एज टेस्ट जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, 2 टेबलस्पून पिस्ता, 5 स्ट्रैंड सैफरन जो सैफरन होते हैं उसके आपने देखा होगा केसर, और 2 कप घी,
ये घी इसमें रोस्टेड का भी घी इसमें ऐड कर रखा है, तो आप देख लीजिए अगर रोस्टेड रोस्ट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो घी कम लगेगा इसमें, क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए इसमें बेसन का क्या, हलवा के लिए हमें कुछ बेसन चाहिए होता है, अभी हमें इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए थे, तो बेसन का हलवा जो है उसको बनाने के लिए हम एक डीप बॉटम पैन लेंगे मीडियम फ्लेम पे और उसमें बॉईल करेंगे 4 कप्स ऑफ वाटर। मीनवाइल ग्राइंड कार्डमम इनटू अ फाइन पाउडर, और हम कार्डमम को पाउडर बना लेंगे, ऐड इन अ शुगर, शुगर सॉल्यूशन में कार्डमम पाउडर डाल देंगे, केसर डाल देंगे, स्टर करेंगे उसे हिलाते रहेंगे जब तक कि वो शुगर ग्रैनुल्स डिजॉल्व नहीं हो जाते और उसका सिरप बन नहीं जाता। उसके बाद नाउ प्लेस अनदर पैन ऑन अ मीडियम फ्लेम मल्ट घी ने, एक अलग से कढ़ाई लेंगे उसमें हम घी डालेंगे, उसको मल्ट होने देंगे, जब वो गर्म हो जाएगा तो हम उसमें लोअर द फ्लेम, फ्लेम को लोअर करेंगे और ऐड अनशेल्ड पिस्ता, उसमें पिस्ता डालेंगे, आलमंड डालेंगे, सॉटे फॉर 2 मिनट, सॉटे करेंगे उसको मिक्स्ड इन ग्राम फ्लोर और उसको बेसन में मिला देंगे, स्टर अंटिल द कलर टर्न लाइट ब्राउन, तब तक उसको स्टर करते रहेंगे जब तक कि वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, सो एज नॉट बर्न द ग्राम फ्लोर, लेकिन वो ग्राम फ्लोर हमें जलना नहीं चाहिए। फॉर द प्रिपेयर्ड शुगर सिरप, और प्रिपेयर्ड शुगर सिरप उसमें डाल देंगे और उसमें इन रोस्टेड ग्राम फ्लोर, जो हमारा ग्राम फ्लोर रोस्टेड हुआ है, और उसको मिक्स करेंगे, जब उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी तो हलवा हमारा बन गया है, और 2 मिनट बाद हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, मिक्स और उसमें रोज़ वाटर डाल देंगे और स्टर करेंगे और सर्व वार्म ऑन कोल्ड नाइट्स, जब ठंडियाँ होती हैं तो हम इसको गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं, और हम इसको गार्निश करते हैं हलवे को मिक्स ड्राई फ्रूट से, हम ऑप्शनल है, हम गार्निश कर सकते हैं, प्लेन हम भी बना सकते हैं लाउड गार्निशिंग। ढोकला, ढोकला है जो ये गुजराती डिश है, पर ये सभी को पसंद है और ये इजीली बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें रोस्ट नहीं करना कुछ भी हमें, तो देखते ही मुँह में पानी आ जाता है ढोकला को देखते तो सभी लोगों का। तो प्रेपरेशन टाइम इसका 5 मिनट है, कुकिंग टाइम 15 मिनट है, और 4 सर्विंग्स के लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए, आप चाहें तो इस अमाउंट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उसमें हमारा बैटर के लिए हमने 1 कप ग्राम फ्लोर लिया है, ग्राम फ्लोर लिया है, बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून सेमोलिना रवा और सूजी लिया है, और उसके बाद 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, और 1 टेबलस्पून इनो फूड सॉल्ट लिया है, और 1 टेबलस्पून क्रश्ड ग्रीन चिली जिंजर लिया है, और 3/4 कप वाटर लिया। एक्चुअली जो ये जो रेसिपी है ढोकला की, ये इंस्टेंट रेसिपी है, काफ़ी जल्दी बनता है,
इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, हम स्टीमर में बना सकते हैं, अवर में बना सकते हैं, और जो मैंने जो ये रेसिपी चूज़ की है ये काफ़ी जल्दी बन जाती है और मैंने इसको ट्राई भी किया है। मैं इसको बना चुकी हूँ काफ़ी टाइम। वन फूड कप कर्ड दही लेंगे हम, वन टेबल स्पून हमारा जो ऑयल है, वन टेबल स्पून ऑयल ग्रीसिंग के लिए, जो बर्तन जिसमें हम रोकले को रखेंगे उसको ग्रीस उसको तेल से तेल लगाने के लिए, और हाफ सॉल्ट टू टेस्ट हाफ जो स्पून है, और टेम्परिंग के लिए दो टेबल स्पून ऑयल लेंगे, टेम्परिंग के लिए जो ऊपर से हम चौक लगाते हैं, 10 to 15 करी लीव्स और हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स। और हाफ कमन सीड्स हैं, ये ऑप्शनल है, हाफ टी स्पून सीसम सीड्स हैं, तिल ये भी ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी, टेबल वन टेबल स्पून शुगर है, 4 ग्रीन चिली हैं कट इन टू हाफ, हाफ पीसेस में कट कर दीजिए, 2 टेबल स्पून चॉप्ड कोरिएंडर हरा धनिया, 1 पिंच हींग सो जो एसोफेटिया, और 1/3 कप वाटर। हम किस तरीके से बनाएंगे अब हम इसके आगे देखते हैं। खमन ढोकला के लिए हम जितने भी ऑयल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हम उनसे बैटर बनाएंगे, और 2-3 कप्स ऑफ वाटर होगा, स्टीमर में हम डाल देंगे पहले ही, स्टीमर में, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन यही होता है कि जब तक हम मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे होते हैं उससे पहले ही हम उसमें पानी डाल देते हैं। अगर हम इसको कुकर में बना रहे हैं तो हम इसमें 2-2.5 ग्लास पानी पहले ही डाल देंगे, फिर उसके ऊपर एक बाउल रखेंगे, उस बाउल के ऊपर हम अपना जो भी प्लेट है, टिफ़िन है, जो भी बर्तन है जिसमें हम ढोकला बना रहे हैं उसको ग्रीस करके उसमें ढोकला डाल के रखेंगे। और सब पे टाइम डिफरेंट है, स्टीमर में अलग टाइम डिफरेंट टाइम होता है, कुकर में अलग टाइम होता है, कुछ लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं पर वो इतना नहीं कन्फर्म, इतना कॉन्फिडेंट नहीं कि उतनी जल्दी अच्छा बन ही जाएगा, किसी किसी का अच्छा बनता है। तो अभी मैंने आपको स्टीमर में बता रही, कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में 12 से 15 मिनट में बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं। तो स्टीमर में इन्होंने पहले 2-3 कप्स वाटर डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है, बॉटम में, और उसको मीडियम फ्लेम पे हीट करने के लिए रख दिया है जब तक हम ये बैटर बना रहे हैं। मेक श्योर दैट द स्टीमर इज एटलीस्ट, और स्टीमर में हम कम से कम 4 मिनट उस पानी को वहाँ पे उबाल लेंगे, गर्म कर लेंगे बिफोर प्लेसिंग द जो प्लेट्स हैं जो हमारे सांचे हैं उसको वो करने के से पहले फिल विद बैटर इन इट। और अगर आपके पास इडली का इडली वाला जो बर्तन है उसमें भी बन जाते हैं, उसमें नीचे पानी डाल के हम पहले ही 4-5 मिनट्स पहले ही रख दें तो उसमें भी हम बना सकते हैं, और उसके बाद ही हम ग्रीस करके बैट उस जार को जो भी बर्तन है उस पर ऑयल से ग्रीस करके हम वो बैटर डालेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें हम पहले ही तैयार कर लें, जैसे कि पानी वाला और जो जार है उसको पहले ही ऑयलिंग कर लेंगे, तो जब हम बैटर बनाएंगे तो फटाफट हम उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इनो डालने के बाद हमें वेट नहीं करना है, फटाफट बैटर को उसमें डालना है और बंद करना है। तो उसके बाद हमने 2 स्मॉल प्लेट्स को हमने ग्रीस कर दिया थालीज को, और 4-5 इंचज डायमीटर है जिनका, टीस्पून से हमने ऑयल को उस पर ग्रीस कर दिया। उसके बाद हम आटा लेंगे, 1 ग्राम फ्लोर, सॉरी आटा चने का आटा मतलब बेसन, सेमोलिना सूजी, लेमन जूस, ग्रीन चिली, जिंजर पेस्ट, मतलब जो हमारा ग्राम फ्लोर है वो 1 कप, और लेमन जूस 1 स्पून, और ग्रीन चिली जिंजर पेस्ट जो हमारा क्वांटिटी हमारे जिसने मेंशन की है वही क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे। वाटर जो है हम जब आप सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देते हैं इनो पाउडर को छोड़ के, तो हम वाटर को हम धीरे धीरे डालते, खट्टा सारा वाटर नहीं डालते, और कर्ड है, कर्ड भी इसमें वहाँ पर मैंने क्वांटिटी मेंशन की हुई है, और सॉल्ट जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, सबको मिक्स करेंगे और धीरे धीरे पानी डालते हुए इस मैटर को हम वो करेंगे, मेक श्योर दैट देयर आर नो लम्प्स, और हम इसको इतना स्टर करेंगे कि उसमें लम्प ना हो। और ये ध्यान रखना है कि इनो पाउडर इसमें अभी नहीं डालना है, जब सारा हमारा बन जाएगा वो लम्प्स, उसमें कोई लम्प नहीं है, हम देखेंगे कि वो ठीक है, स्मूथ, हम उसको डाल के देखते हैं अगर स्मूथ हो रहा है वो, फिर उसके बाद हम इनो फ्रूट सॉल्ट उसमें डालेंगे, और बैटर को 1 मिनट एक ही डायरेक्शन में हमें उसको घुमाना है, स्टर करना है, और हम देखेंगे कि उसका साइज़ डबल हो गया है, और ना पार उस बैटर को इमीडिएटली हम ग्रीस प्लेट्स में डाल देंगे, और जो प्लेट्स हैं उनमें हमको फुल नहीं भरेंगे, उसको हाफ़ भरेंगे, क्योंकि इसको बनने के बाद ये थोड़ा फूलता है, तो
उसको हमें उतना स्पेस देना पड़ेगा। प्लेस प्लेट्स इन स्टीमर, स्टीमर में हम 10 से 12 मिनट के लिए प्लेट्स डाल देंगे ओवर अ मीडियम फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे, और 10 से 12 मिनट के बाद हम उसमें उसको ओपन करके देखेंगे। उसमें हम नाइफ़ इंसर्ट करेंगे, नाइफ़ चाकू या फिर टूथपिक को हम इंसर्ट करके देखेंगे। अगर हम उसको इंसर्ट करने के बाद हम वापस निकालते हैं और उसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन निकल आती है, तो इट मीन्स हमारा ढोकला बन गया है। और अगर नहीं तो हम उसको 2 से 3 मिनट फिर से रख देंगे, फिर से बंद कर देंगे और फिर चेक करेंगे। हमें इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है, नहीं तो उसके बाद वो ढोकला ख़राब हो जाएगा, स्पंजी नहीं होगा, ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए उस 2 से 3 मिनट बाद फिर से चेक कर लेना है। अगर बन जाता है तो इसका मतलब हमें से बंद करना है गैस। टेक आउट प्लेट्स, उसके बाद जब ये बन जाता है, हमने चेक किया कि अगर हमने उसमें टूथपिक डाली है या फिर चाकू डाला और वो क्लीन निकल आया, तो इसका मतलब हमारा वो बन गया है। फिर हम स्टीमर से प्लेट्स को बाहर निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद उस ढोकला को, खमन ढोकला को हम स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। अब टेम्परिंग के लिए, उसके ऊपर हम जो चीज़ें डालेंगे, जो उसमें जो होता है, उसके लिए टेम्परिंग के लिए हमारे पास 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे स्मॉल पैन में, टेम्परिंग पैन में। एड मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, हींग डालेंगे। जब वो सीड्स क्रैकल होने लग जाएगी, आवाज़ आने लग जाएगी उसकी, उनकी चटकने की, उसके बाद हम उसमें क्यूमिन सीड्स डालेंगे, सीसम सीड्स डालेंगे, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली, हरी मिर्ची। फ्यू सेकंड्स के लिए तो सौते करेंगे, उसके बाद हम 1/3 कप वाटर डालेंगे उसमें और शुगर डालेंगे और उसको बॉयल होने देंगे। ये क्वांटिटी हम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो ढोकला में जो जो हम तड़का लगाते हैं वो थोड़ा अच्छा चाहिए होता है उनको, तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ये एनफ है, पर इसके लिए हम उसको टॉस करते हैं, उसको मिक्स करने के लिए। अगर हम थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद इन्होंने ब्रिंग लेट हाई फ्लेम, हमने हाई फ्लेम में किया उसको, लेट कुकर फॉर अ मिनट। उसके बाद इसको हमने ढोकला पे डाल दिया और ढोकला एंड टॉस जेंटली अंटिल इज ढोकला इज कोटेड। इसको टॉस करेंगे कि जिससे कि सारे ढोकला पे ये चला जाए। गार्निश, और इसको हरे धनिया, चॉप्ड हरे धनिया उसे ग्रेट गार्निश करेंगे, और ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और ग्रीन चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये तो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फिर से खाना। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है सेविया। सेविया को हम स्वीट भी बनाते हैं एज ए खीर, और इसको हम नमकीन भी बना सकते हैं। तो अगर आप रोस्टेड सेवैया, अगर आप पहले से रोस्ट करके रखते हैं, और जैसे रोस्टेड सेवैया हो गई, सूजी हो गई, डोसा का मिक्सचर हो गया, बेसन का, तो हम इनको जब चाहे बना सकते हैं। बेसन का जो हलवा है वो स्वीट भी बनता है, और हम इसको नमकीन भी बना सकते हैं। और जैसे सेवैयाँ हैं, इनको भी हम मीठा और नमकीन बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपसे के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो खीर की, बॉमी सैली खीर। ये नॉर्थ इंडियन क्यूजिन है, डेजर्ट स्वीट्स, ये स्वीट्स है। प्रेपरेशन टाइम 5 मिनट है, कुक टाइम 15 मिनट है, और टोटल टाइम 20 मिनट्स है। रोस्टेड के लिए हमें 1 टेबलस्पून घी चाहिए, 1 कप सेविया चाहिए, ब्रोकन सेविया। और अगर आपने पहले से रोस्ट कर रखी है तो आपका घी उतना कम चाहिए होगा, और आपको आपका टाइम जो है डिक्रीज हो जाएगा। वामिसली खीर बनाने के लिए हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए, या फिर 4 कप्स ऑफ मिल्क, वो सेम ही है। 7 to 8 टेबलस्पून हमें हो गया है, और 1/2 टीस्पून कार्डेमम पाउडर, और टेबलस्पून 1 टेबलस्पून आलमंड स्लाइसेस बादाम, कार्डेमम मतलब हरी इलायची, और टेबलस्पून चॉप्ड कैश्यूज, काजू, और 4-5 हमें ड्राइड जो रोज़ की पेटल्स होती हैं, गुलाब की पत्तियां होती हैं, वो ऑप्शनल है, आप यूज़ कर सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। 1 टेबलस्पून गोल्डन रेजिंस किशमिश, 1 टेबल, और जो हम रोस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपने ऑलरेडी रोस्ट कर रखी है तो ये आपको दोबारा नहीं करना है। मैं अब बता देती हूँ, जो लोग रोस्ट पहले करके नहीं रखी हैं तो वो रोस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। हीट 1 टेबलस्पून घी इन अ हैवी कढ़ाई, हैवी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, तो 2 से 3 मिनट तक गर्म होने देंगे। एड द सेवैयाँ, उसमें सेवैयाँ या वर्मी सेली डालेंगे, स्टर कंटिन्यूसली रोस्ट ऑन लो, उसको स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली, और हमारी फ्लेम लो टू मीडियम होगी, फुल नहीं होगी।
रोज चल कर सेवियाँ स्ट्रैंड स्ट्रैंड गोल्डन, जब तक करते रहेंगे जब तक कि उसकी जो स्ट्रैंड हैं वो गोल्डन नहीं हो जाती, पर उनको जलाना नहीं है, इतना बस गोल्डन हो जाए इतना ही काफ़ी है उसको। और मम्मी सली खीर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को रिड्यूस कर देंगे टू इट्स लोअर, स्लोली पॉर द मिल्क, मिल्क डालेंगे उसमें पैन में, सिमर द मिल्क ऑन अ लो टू मीडियम फ्लेम स्टर ओकेशनली, और मिल्क को सिमर कर देंगे पहले और लो टू मीडियम करते रहेंगे, स्टर ओकेशनली उसको स्टर करते रहेंगे। जब मिल्क बॉयल होने लग जाएगा तो उसमें 7 to 8 टीस्पून शुगर डाल देंगे और मिक्स वेरी वेल सो दैट ऑल शुगर डिजॉल्व्स, उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और नेक्स्ट ऐड उसमें 10 से 12 सैफ्रन के स्ट्रैंड्स डालने, मतलब केसर, आलमंड्स, कैश्यू आलमंड्स मतलब बादाम, काजू, कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर और ड्राइड रोज पेटल्स, ये हम ऐड करेंगे। ये ऑप्शन है, आप अगर आप आलमंड्स खाना आप चाहते हैं डालना तो आप डाल सकते हैं, सैफ्रन आलमंड्स ये सब, तो प्लेन खीर भी बनती है, पर ये सब चीज़ें डालने से वो अच्छी हो जाती है और फ्लेवर अच्छा आता है। और 4 to 5 मिनट्स को कुक करेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें रेजिन्स किशमिश डालेंगे और आप इसमें नट्स, ड्राइड नट्स ऊपर से और भी डाल सकते हैं और रोज पेटल से गार्निश कर सकते हैं ड्राई नट और रोज पेटल से। तो ये तो प्लेन खीर है जो मैंने पहले भी थी उसमें थी हमारी थी। पोहा, पोहा भी जो हमारी रेसिपी है वो बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी सिंपल है, द सिंपल रेसिपी कैन बी मेड इन अ फ्यू मिनट्स, ये बहुत, और ये यू कैन ऐड योर ट्विस्ट टू दिस रेसिपी, और इस रेसिपी में आप ट्विस्ट डाल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। इफ़ यू लाइक इट्स क्रंची, अगर आप क्रंची चाहते हैं तो इसको यू कैन स्टर फ्राई द पोहा ऑन अ हाई फ्लेम, हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा आपका। टू मेक मोर डिलेक्टेबल एंड सम स्मॉल पीसेज ऑफ फ्राइड कोकोनट भी डाल सकते हैं, करी लीव्स भी डाल सकते हैं, जिससे इसका अरोमा जो है वो अच्छा हो जाएगा। इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इस रेसिपी में रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स में इस पर डाल सकते हैं। दिस ट्रेडिशनल रेसिपी टेस्ट बेस्ट व्हेन मेड इन ऑथेंटिक वे यूजिंग घी, घी से बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बनती है, ट्रेडिशनल रेसिपी भी है ये और ये क्विक रेसिपी है और एक आप बच्चे के टिफिन में रख सकते हैं, इसको मिड टाइम स्नैक हो जाएगा, ब्रेकफास्ट का डिश भी है ये। तो ये पोहा है, कुछ लोग इसको नींबू डाल के खाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग फ्लेवर है। 2 कप वॉश ड्राइड प्रेशराइज मतलब पोहा हमारा, और 1 teaspoon लेमन जूस और 1 2 pinch सॉल्ट, अगर आप लेमन जूस, अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप लेमन जूस ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, 2 pinch सॉल्ट और 2 सॉल्ट अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, 2 teaspoon पाउडर टर्मेरिक, इसमें टर्मेरिक है, 8 टर्मेरिक भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टर्मेरिक कम चाहिए होती है तो, और 8 leaves करी लीव्स और करी पत्ता 8 और 2 ये भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 gram स्लाइस ग्रीन चिली और जो हरी मिर्ची है वो 2 gram स्लाइस्ड, ये स्लाइस, और 3 teaspoon शुगर, 3 चम्मच हमें चीनी चाहिए इसमें, और 1 tablespoon रिफाइंड ऑयल और 2 teaspoon मस्टर्ड सीड, सरसों के जो दाने होते हैं, और गार्निशिंग के लिए हमें हरा धनिया चाहिए, 1 tablespoon अनार के जो दाने होते हैं वो भी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर ऑप्शनल है। फॉर द मेन डिश आपको चॉप्ड पोटैटोस चाहिए जो क्यूब्स में चॉप्ड हों, और 1 handful ऑफ रॉ पीनट्स, पीनट्स मतलब मूंगफली, मूंगफली डालने से हेल्दी हो जाता है थोड़ा। पोहा जो है ये इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट है, इसमें वेजीज डाल सकते हैं आप, ठीक है, तो इसमें हम कुछ वेजीज को पहले ही चॉप करके एक साइड में रखेंगे और जो पोहा है उसको हम धोकर एक साइड में रख लेंगे और ड्रेन द वाटर, उसका वाटर निकाल लेंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में, और गरम पैन में तेल गरम करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे और फिर उसमें हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और जब वो क्रैक होने लगेगी, जब उनकी आवाज़ आने लगेगी तो उसके बाद हम करी लीव्स डालेंगे और उसमें मूंगफली डालेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे, पर जो मूंगफली है उसको हमें सिर्फ हल्का सा भूनना है, वो तो बर्न ना हो ये ध्यान रखना, ठीक है, अवॉइड करना है हमें, नहीं तो बर्न होगी तो हमारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा पोहा का। और जो हमने आलू के क्यूब्स काटे हैं उनको डाल देंगे और लेड को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, पुट द लेड फॉर सम टाइम, जिससे कि वो हमारे पोटैटो सॉफ्ट हो जाए। ऑल्सो यू कैन ऐड वेजीज, और भी वेजीज को हम कट करके इसमें डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं उसको न्यूट्रिशियस बनाना।
देन ऐड द पोहा इन टू द पैन। और अब इसमें पैन में पोहा को डाल देंगे, उसको मिक्स करेंगे। और इंग्रेडिएंट्स ऐड, उसमें टर्मरिक पाउडर डाल देंगे और सॉल्ट जो हमारा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। और इन इंग्रेडिएंट्स को स्टर करेंगे और इसमें शुगर भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन वो आपकी मर्जी है शुगर डालना। सॉल्ट और लेमन जूस इन द पैन। द पोहा शुड नॉट बी ड्राई, लेकिन जो पोहा है वो बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा वो डालने के लिए हम हल्का सा पानी इसमें छिड़क स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। टू मेक द डिश मोर एरोमेटिक यू कैन सम गरम, इसको हम और अच्छा वो टेस्ट के लिए हम इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं लास्ट स्टेप में। इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हम ग्रीन चिलीज, हरा धनिया और जो अनार के दाने हैं पोमेग्रेनेट सीड्स ऑप्शनल है, वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रेसिपी है वो चीला है। बेसन, बेसन से हम बहुत सारी रेसिपीज, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें कुछ ही चीज़ें आप की हैं। इसमें एक कप बेसन, एक कप पानी, 2 टेबलस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, हाफ ऑनियन स्लाइस्ड, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्ची फाइनली चॉप्ड कटी हुई, 4 टेबलस्पून ऑयल चिलास को फ्राई करने के लिए, 1/2 कप मेथी लीव्स फाइन चॉप, ये आपकी मर्जी है, आप डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है, 1 टेबलस्पून अजवाइन, ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग इसमें हींग भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं थोड़ी सी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है खाली ऑयल को छोड़ के, और इसको थिक पॉरिंग कंसिस्टेंस बनाना है, थिक बनाना है और इसको पॉर करें तो हो जाए, इतना भी होना चाहिए। एडिंग द वाटर, इसमें थोड़ा पानी भी मिलाएंगे और कुछ 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। और हीट टेबल स्पून ऑफ ऑयल ना फ्राइंग पैन, फ्राई पैन में हम टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालेंगे और जब वो गर्म हो जाएगा पॉर इट ऑफ इट टू द कंटेनर एंड कीप द हीट 5 फ्लोर ऑफ सम बैटर इन द सेंटर ऑफ द पैन। और जब हम ये जब हमारा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्चुअली कुछ लोग फ्राई पैन में बनाते हैं, फ्राई पैन में तवे में, अगर तवे पे आप बना रहे हो तो आपका तवा जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ठंडे तवे पे डालेंगे तो आपका ये चीला नहीं बनेगा। फ्राई पैन में है तो फ्राई पैन तो हम उसको हाई फ्लेम पे करते ही नहीं है, तो फ्राई पैन हमारा गर्म होना चाहिए बस, ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो हम इसमें बैटर डालेंगे, वो हमें सेंटर में डालना है। इसमें क्या होता है, यही रूल है कि हम उसको सेंटर में डालते हैं और फिर उसको मतलब ऊपर की तरफ उसको चमचे से ऊपर पूरे उसमें फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। लोअर द हीट, लेट कुक टिल द एजेस ब्राउन, मतलब गरम हम गरम पे डालते हैं, उसके बाद हम लोअर कर सकते हैं फ्लेम को एंड कैन बी लिफ्टेड इजीली। और उसमें थोड़ा ऑयल भी अगर चाहें तो, आप फर्स्ट टाइम पहला बना रहे हैं तो उसमें ऑयल आपने डाला ही हुआ ऑलरेडी, आप चाहें तो साइड से और भी ऑयल डाल सकते हैं चीले में अगर आप चाहें तो, अगर जिससे उसको ऑयली पसंद होता है तो। ड्रिबल अ लिटिल ऑयल अराउंड इट डरिंग दिस, क्योंकि हम उसको निकालना है तो थोड़ा ऑयल वहाँ होना चाहिए। फ्लिप इट ओवर टू कुक स्लाइटली ऑन द अदर साइड, फिर हम इसको पलट देंगे जब वो नीचे की साइड से सिक जाएगा तो, एंड बिफोर सर्विंग इट हॉट, और हम इसको हॉट ही सर्व करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। और ये जो चीलास है, जिस तरह हमने बेसन का चीला बनाया है, ये हम और भी चीलास बना सकते हैं, जैसे ब्रेड का चीला हो गया, मूंग की दाल का चीला हो गया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमने जो हमने इसमें मिक्सचर लिया है उसी तरह हम उस मिक्सचर में भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हमने बेसन है, बेसन तो हमारा बेसन की जगह वो चीज़ आ जाएगी मूंग की दाल, और बाकी चीज़ें यह भी रह सकती हैं। तो मैं उनकी भी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उनकी रेसिपीज भी डाल दूंगी। ये चीलास तो काफ़ी सारी वैरायटीज होते हैं, हम किसी भी चीज़ का चीला बना सकते हैं, किसी का तो नहीं मतलब कुछ चीज़ों का मोस्टली बनाते हैं। स्प्राउट्स, स्प्राउट्स जो है हमारा हेल्थ, स्प्राउट्स का मैंने इसमें सलाद की रेसिपी डाली है, और स्प्राउट्स की भी हमारे पास काफ़ी सारी रेसिपीज, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं हम स्प्राउट्स का। स्प्राउट्स की कढ़ी बना सकते हैं, फ्राइड स्प्राउट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सैलेड लिया है, 2 कप ऑफ स्प्राउटेड मूंग बीन्स, हमने यहाँ पे मूंग बीन्स ली हैं, आप चाहें तो इसमें चना भी ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी दाल्स हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें मैंने मूंग लिया है, 1 मीडियम साइज टोमेटो लेंगे फाइनली चॉप्ड होगा, एक टमाटर लेंगे जो अच्छी तरह कटा होगा मीडियम साइज, और स्मॉल या फिर मीडियम साइज अनियन प्याज लेंगे फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए, 1 ग्रीन चिली ऑप्शनल है फाइनली चॉप्ड, और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ये भी ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस,
ठीक है, ये रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड जितना आपको चाहिए। खट्टा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वन बॉयल पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये भी ऑप्शनल है, और कुछ हरा धनिया की पत्तियाँ और लेमन स्लाइसेस फॉर गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए हम लेमन स्लाइस रख सकते हैं। रॉक सॉल्ट, ब्लॉक सॉल्ट, काला नमक, कुछ लोग काला नमक डालते हैं, आप चाहें तो आप प्लेन नमक भी डाल सकते हैं। काला नमक डालेंगे तो थोड़ा वो हेल्दी रहेगा। स्प्राउट्स, स्प्राउट्स में हमने क्या, इसका सलाद के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्प्राउट्स को धो लेना है, अच्छे से रिंस कर लेना है। एंड यू कैन आइदर स्टीम देम और बॉयल देम टिल दे आर कम्प्लीटली कुक्ड। आप चाहें तो उसको स्टीम और बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप स्टीम बॉयल्स में करेंगे अगर ऐसे यूज़ करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको नहीं पसंद है आप उसको स्टीम और बॉयल कर सकते हैं, कम्प्लीटली कुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेन द कुक्ड स्प्राउट्स एंड मिक्स ऑल द इन्ग्रीडियंट्स, उसमें कुछ सारी कुक्ड अगर हमने किया है तो उसमें हम सारी इन्ग्रीडियंट्स मिक्स कर लेंगे, खाली नमक को छोड़ के और लेमन जूस को छोड़ के बाउल में। सीजन विथ सॉल्ट, बाद में हम सॉल्ट डालेंगे और कुछ लेमन जूस की डालेंगे, और गार्निश विद लेमन स्लाइसेस, और इसको लेमन स्लाइसेस से गार्निश कर देंगे गोल्डन लीव्स को, और इसको इमीडिएटली ही सर्व करते हैं। इसलिए जब आपको खाना हो आप इसे तभी बनाइए। फ्रेंच फ्राइज, ये बहुत अच्छी डिश है और ये सभी को पसंद है। फ्रेंच फ्राइज बच्चों को बहुत पसंद है। फ्रेंच फ्राइज जो है ये स्नैक्स में भी आता है और अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। डीप फ्राइड होता है, ये थोड़ा ऑयली होता है तो आप चाहें तो इसको कम यूज़ करें, पर कभी कभी बच्चों के लिए बना सकते हैं इसको। थिनली स्लाइस पोटैटोज आर डीप फ्राइड एंड क्रिस्प इन ऑल साइड, स्प्रिंकल विथ सॉल्ट, और इसको सॉल्ट से स्प्रिंकल किया जाता है, पेपर भी डाला जाता है इसमें, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। 250 ग्राम जो है पोटैटो है, स्लाइस पोटैटो स्लाइस है हमारे यहाँ पे पील्ड छिले हुए, और उसके बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट और फॉर डीप फ्राइंग। अब हम बनाएंगे कैसे, इसकी हम रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। पॉर अराउंड 4 कप्स ऑफ वाटर, इसमें 4 कप्स ऑफ वाटर एनफ टू कवर द पोटैटोज एंड स्प्रिंकल विद सॉल्ट एंड बॉयल। इसको हम बॉयल करेंगे। स्लाइस द पोटैटो टू अ विड्थ ऑफ योर चॉइस, यू कैन आइदर ऑप्ट फॉर फैट फ्रेंच फ्राइज और थिन। इसकी स्लाइसेस हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ लोग मोटे करते हैं, कुछ लोग पतले स्लाइसेस काटते हैं। व्हेन द वाटर कम्स टू बॉयल, जब पानी जो है बॉयल हो जाएगा तो हम पोटैटोज से उस पानी को गैस बंद कर देंगे और उस पानी को निकाल देंगे। नाउ लीव द पोटैटो 5 to 6 मिनट्स तक हम इन पोटैटोज को रख देंगे, उसका पानी निकालेंगे, रखने के बाद निकालेंगे, पहले नहीं। पुट द पोटैटोज ऑन अ टिश्यू और ड्राई क्लोथ पे रख देंगे या फिर टिश्यू पे, उसको ड्राई होने देंगे, कोई इसमें हरी नहीं, यू आर इन हरी, डैप इट विद द टिश्यू और ड्राई द, अगर आपको जल्दी है तो आप टिश्यू से उसको ड्राई कर सकते हैं, जल्दी से हो जाएगा। फिर हम पैन में ऑयल गर्म करेंगे, जब उसमें ऑयल में बबल्स निकलने होने लगेंगे, गर्म होने लगेगा, तो उसमें हम पोटैटोज डाल देते हैं 1 by 1 एंड मेक श्योर द पोटैटोज हैव एनफ स्पेस, ऐसे डाल रहे कि उसमें एनफ स्पेस हो जिससे कि वो फ्राई हो सके, स्टैक नहीं कर, एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। लोअर द हीट, और जो हमारी हीट है हीट लोअर से मीडियम तक ही होगी, उसको फुल हीट में नहीं करना है, और तब तक करना जब तक कि ऑलमोस्ट वो कुक नहीं हो जाते और ब्राउन कलर नहीं हो जाता। पोटैटोज आउट ऑफ द ऑयल, जब आपको लगेगा कि वो कुक हो गए हैं, उनका कलर ब्राउन बट नॉट टू ब्राउन तो नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा सा फ्राई हो जाए, एंड लेट द रस्ट ऑफ इट ड्रेन। उसके बाद हम इसको टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं जिससे कि उसका ऑयल जो है वो ऑब्जर्व कर ले। जस्ट बिफोर सर्विंग फ्राई ओवर हाई हीट टिल अ ब्राउन सर्व, कुछ लोगों को ब्राउन पसंद है, कुछ लोग कम फ्राई यूज़ करते हैं, तो वो उसकी टेस्ट पे डिपेंड कर सकता है। इस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं नमक वगैरह जो भी है, नमक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कुछ लोग सॉस के साथ खाते हैं, कुछ लोग चटनी के साथ खाते हैं, सबका अपना फ्लेवर है। और इस फ्रेंच फ्राइज जो है हम अगर इसमें नमक नहीं डालते हैं, इसमें व्रत वाला नमक डालते हैं, और हम इसको घी में पकाते हैं, तो हम इसको व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग फास्ट रखते हैं उनके लिए अच्छा है। साबूदाना खिचड़ी, ये भी लोग फास्ट में भी यूज़ करते हैं, वैसे भी हम बच्चों के टिफिन में बना सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी होती है साबूदाना खिचड़ी। अगर हम साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं, अगर हम इसको मॉर्निंग में बनाना है, अगर हम इसको रात को ही फुला दें पानी में, तो ये सुबह हमें तैयार मिलेगा, ये हमें ज़्यादा मेहनत टाइम नहीं लगेगा, गैस बच जाएगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप इसको गर्म पानी में रख सकते हैं, गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए साबूदाना को, तो इससे आपकी गैस सेव होती है और टाइम भी सेव होता है, जल्दी बन जाता है। लाइट डिश मेड विथ साबूदाना,
और ये फास्टिंग में हमारी यूज़ होती है नवरात्रि में, और वैसे भी हम खाते हैं, सबको पसंद है ये। 1 कप इसमें साबूदाना लेना है, 1/2 कप पीनट मूंगफली लेनी है जो रोस्टेड हो ऑलरेडी, 1 टेबलस्पून घी लेना है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ज़ीरा आपकी मर्ज़ी है, अगर आप व्रत में यूज़ कर रहे हैं तो कुछ लोग ज़ीरा नहीं खाते हैं तो आप नहीं डालें, वैसे तो आप डाल सकते हैं, 3/4 साबुत लाल मिर्च और 1 स्प्रिंग कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता चाहिए इसमें, करी लीव्स, 2 टेबलस्पून सेंधा नमक, वाइट रॉक सॉल्ट और 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, ये आपकी ऊपर है कि अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना है तो आप चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून हरा धनिया कोरिएंडर लीव्स, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली चॉप्ड और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, ये आपके ऊपर है अगर आप खट्टा खाना चाहते हैं। हम साबूदाना को वॉश कर, साबूदाना टिल वॉश साबूदाना, और उसको हम 3 सेंटीमीटर और 1.5 अबव में उसको एन आर के लिए और सोक कर देंगे, आप चाहें तो इसको गर्म पानी में करेंगे तो जल्दी से सोक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ड्रेन इन अ कोलेंडर, जब भी आपका हो जाता है तो उसके बाद कोलेंडर में ड्रेन करना है, देन स्प्रेड ओवर अ थिक क्लोथ, और एक कपड़े पे डालना है 1 घंटे के लिए, ये नेसेसरी नहीं है कि आप कपड़े में डालें, आप इसको वैसे भी टिश्यू पेपर या उस पर रख के या फिर उसको कपड़े में डाल के उस टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर ड्रेन आउट वेरी वेल, बस यही है कि वाटर अच्छी से उसका निकल जाना चाहिए, एज अदरवाइज एन कुक द साबुदाना विल स्टिक टुगेदर इन लम्स, अगर वो पानी नहीं निकलेगा जब हम बनाएंगे तो वो जो साबुदाना है वो एक दूसरे पे स्टिक हो जाएगा, बस इसीलिए वो लम्प्स ना पड़े उसमें, इसलिए ऐसा किया जाता है कि उसको ड्राई होना ज़रूरी है। फिर हम क्या करेंगे, जो साबुदाना है इसमें हम हमारे जो रोस्टेड पीनट्स थे वो डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, चिली पाउडर डालेंगे एंड सो दैट, और इसको मिक्स करेंगे सो दैट इट इज़ कोटेड विद दिस मिक्सचर, और घी गरम करेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, वैन मिर्च ड्राकन अ बिट, जब मिर्च जो है वो थोड़ा तल जाएगी, ढाकन हो जाएगी, तो उसमें साबुदाना का मिक्सचर डालेंगे, टर्न अराउंड ओवर लो हीट टिल कुक थ्रू, और उसको लो हीट में टर्न अराउंड करना है, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, देन टेक इट ऑफ द हीट, उसके बाद हमें गैस बंद कर देनी, क्योंकि हमने सारा कुछ पहले ही मिक्स कर लिया था, तो उसमें लेमन जूस डाल देंगे गैस बंद करने के बाद, तो मिक्स कर देंगे और सब गार्निश विद हरा धनिया, हरा धनिया और हरी हरी मिर्ची के साथ वो गार्निश कर सकते हैं। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो उत्तपम है, जैसे हम डोसा का मिक्सचर बनाते हैं इसमें भी वही मिक्सचर यूज़ हो सकता है, तो जैसे आप डोसा का मिक्सचर बना रहे हैं, डोसा का मिक्सचर हम फ्रिज में रखते हैं तो हम उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर पाते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन हमने बच्चों के लिए डोसा बना दिया, नेक्स्ट डे उत्तपम बना दिया, तो ये भी हम फास्ट रेसिपी है, अगर हम ये अगर हमारे पास बैटर ऑलरेडी है तो हमें इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें ही बैटर के लिए राइस चाहिए होता है और धूली उड़द की दाल चाहिए होती है, और फेनिग्रिक सीड्स भी डाल देते हैं काफ़ी लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या है ये देखिए, 360 ग्राम राइस पावर बॉल एंड ग्राम बंगाल ग्राम धूली धूली उड़द स्प्लिट एंड हस्ट साफ हुई एंड 1/2 टेबलस्पून मेथी के सीड्स, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, आयरन ग्रिडल और तवा, आपके पास तवा होना चाहिए जो थोड़ा बड़ा हो, उसमें या तो पैन ऑयल पैन चाहिए पैन ऑयल चाहिए पैन चाहिए और ऑयल चाहिए पैन ही ऑयल खाली। सो राइस को हमने दाल को मेथी हम पानी में इसको सोक कर देंगे 5 to 6 hours के लिए, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसको पीस लेंगे और उसमें नमक मिलाकर एनफ वाटर टू मेक अ ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, उसमें पानी डाल देंगे इतना पानी होना चाहिए कि हम अगर इसको ड्रॉप करें तो ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हो उसमें, लीव टू फर्मेंट 5 to 6 hours नमक डाल के उसको रख दिया जाएगा उसके खमीर के लिए खमन रोकने के लिए। उसके बाद जब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा 5 to 6 hours, तवा हीट करेंगे, उस ऑयल में तेल ब्रश करेंगे, तेल लगाएंगे और वेन रियली हॉट स्प्लैश अ लिटिल वाटर ओवर इट, जब आपको लगता है तवा गर्म है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखेंगे एंड पॉर अबाउट 1 कप ऑफ वाटर और उसमें 1 कप जो बैटर डाल देंगे, इट विल स्प्रेड और उसको स्प्रेड कर देंगे, व्हेन द एजेस स्टार्ट ब्राउन अ बिट, उसकी एजेस जो है साइड्स अगर ब्राउन होने लग जाती हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको वहाँ से पलट निकाल उसको टर्न कर देंगे, लेट इट ब्राउन ऑन द अदर साइड, जिससे कि अदर साइड भी ब्राउन हो जाए। बिफोर यू टर्न द उत्पम टर्न इसको टर्न करने से पहले हमें क्या करना है, इसमें
इसमें कुछ स्प्रिंकल फिक्स मिक्सचर ऑफ फाइनली चॉप्ड, इसमें कुछ इसमें हमें कुछ सब्जियां जैसे कि हमने फाइनली चॉप्ड अनियन सी, टोमेटो थे, करेंडर लीव थी, ग्रीन चिली थी, ये हम उस पर पहले डाल देंगे, उसके बाद ही हम उसको टर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्न होने के बाद वहाँ पे सिक जाने के बाद ही हमारा हम उसको हॉट सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा उपमा है, इसको सांभर के साथ भी खाते हैं लोग, चटनी के साथ भी खाते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसके साथ खा रहे हैं। अब है बर्गर। बर्गर अच्छा है पर यही जैसे बर्गर हुआ, फ्रेंच फ्राइज, इन्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन अब वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार एक दो बार खा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्गर जो है हमारी हम कह सकते हैं कि ये डिश जो है फॉरेन में यूज़ होती है, लेकिन अब इंडिया में भी सब लोग खाते हैं इसको। यू कैन ऑल्सो मेक दिस रेसिपी फॉर किड्स, किड्स के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, और अगर आप ये काफ़ी अच्छी लगती है सबको, सबका ही फेवरेट है बर्गर, पार्टी स्नैक्स में, कॉकटेल्स मॉकटेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी स्नैक होता है कॉकटेल्स मॉकटेल्स। इफ़ यू हैपन टू बी अ फैन ऑफ अमेरिकन कुजिन, अगर आप अमेरिकन कुजिन के फ़ैन हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इट इज़ परफेक्ट ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, और चीज़ स्लाइसेस यूज़ होते हैं इसमें। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ वेजेस, अगर आप वेजेस के लिए फॉन्ड ऑफ हैं तो इसमें हम यूज़ बेबी कॉर्न भी यूज़ कर रहे हैं, बेल पेपर्स एंड मोर। बर्गर रेसिपी ऑन स्पेशल ओकेशन, बर्थडे, किटी पार्टीज में बना सकते हैं, और गेम नाइट्स हम बच्चों के जो गेट टुगेदर यूज़ करते हैं, अगर हम लोगों की किटीज होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एक्स्ट्रा जिंग यू कैन यूज़ वैरायटी ऑफ सॉसेस, इसमें काफ़ी सारे सॉस या ड्रेसिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राई दिस डिलीशियस बर्गर रेसिपी एट होम, इसको आप घर पर बना सकते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट, आप मुझे बताइएगा कि कैसा बना कमेंट्स बॉक्स में। कैलोरीज इसमें 453, प्रिपरेशन टाइम 10 मिनट है, टोटल टाइम 25 मिनट्स। 4 हाफ बर्गर बंस हैं, हाफ फाइनली चॉप कैप्सिकम है, ग्रीन पेपर, 2 टेबलस्पून अमेरिकन कॉर्न, 80 ग्राम श्रेडेड कैबेज, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 पिंचेस वाइट पेपर पाउडर, हाफ ग्राम स्पाइस्ड स्लाइस टोमेटो, 4 मीडियम चीज स्लाइसेस, 1.5 स्मॉल फाइनली चॉप कैरेट, स्लाइस अनियन, टेबलस्पून बटर, 2 पिंचेस सॉल्ट, 2 टीस्पून टोमेटो केचप, हाफ मीडियम स्लाइस्ड कुकुम्बर, खीरा, और जो मेन डिश के लिए हमें बॉयल्ड क्या मैश्ड पील पोटैटो चाहिए, 3 मीडियम, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए, चीज़ी बर्गर को बनाने के लिए हम पहले एक पैन लेंगे, उसमें मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उसमें ऑयल हीट गरम करेंगे, और जब वो ऑयल चीज़ी बर्गर है, इसको हम पहले पैन पे रखेंगे और ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल इसमें गरम हो जाएगा तो उसमें अनियंस, कैरेट्स, कैप्सिकम डालेंगे और सौते करेंगे उन्हें, सौते दीज इन फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन ऐड टोमेटो, उसमें टोमेटो केचप डालेंगे और गिव इट, उससे नाइस उसको स्टर करते रहेंगे। वंस दीज इन्ग्रीडियंट्स सॉर्टेड प्रॉपरली, जब ये सब सॉर्टेड हो जाएंगे तो रिमूव देम फ्रॉम द फ्लेम एंड ट्रांसफर टू द ग्लास बॉल, ग्लास बॉल में निकाल लेंगे गैस से उतार के। नाउ ऐड द मैश्ड पोटैटो, इसमें मैश्ड पोटैटो डाल देंगे, वेजी का मिक्सचर, और उसमें सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, सॉस नमक छिड़केंगे और पेपर डालेंगे, पेपर पाउडर, और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। शेप देम इनटू 4 राउंड पैटीज, इनको 4 राउंड पैटीज में भी बना सकते हैं, कुछ लोग इनके इनको बड़े या पकौड़े के रूप में भी बनाते हैं। एंड मीनवाइल ऐड बटर इन अ नॉन स्टिक पैन, और नॉन स्टिक पैन में हम बटर डालेंगे, हीट इट ओवर अ मीडियम फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे ऐड द प्रिपेयर्ड पैटीज, इन पैटीज को ऐड द प्रिपेयर्ड पैटीज एंड फ्राई देम फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए हम प्रिपेयर वो करेंगे, एंड अंटिल लाइटली ब्राउन, ब्रिंग द फ्लेम टू लो एंड देन ऐड चीज स्लाइस ऑन टॉप ऑफ दैट, सबसे पहले हम टॉप में फ्लेम लो करेंगे और इसमें जो जो हमारा चीज स्लाइस है ऑन द टॉप ऑफ द पैटीज के टॉप पे रखेंगे, कवर विद लिड एंड कुक फॉर अनदर 30, लिड से कवर करके 30 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। जब चीज़ मल्ट होने लगेगी तो देन द स्लाइस द बर्गर बर्न इन टू द हाफ वॉर्म देम स्लाइटली एंड स्प्रेड बटर ऑन 1/2 ऑफ द बर्गर बंस। नाउ ऐड सम कैबेज, इसमें कुछ बंद गोभी डालेंगे हम, टॉप इट अप विद द टोमेटो स्लाइसेस, टोमेटो के स्लाइस, कुकुम्बर, खीरा, अनियन स्लाइस, प्लेस द कुक बर्गर पैटी विद द चीज़ ऑन टॉप, और ऑन टॉप पे हम इस पैटीज को रखेंगे और स्प्रिंकल अ बिट ऑफ पेपर पाउडर डालेंगे, इसमें स्प्रिंकल करेंगे और कुछ सॉस होगा
वो आपकी चॉइस पे है। यू कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट ड्रेसिंग, इसमें और दूसरी ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। कवर विद अदर हाफ ऑफ द बन एंड सर्व द स्क्रम्बियस बर्गर विद अ फ्राइज एंड पोटैटो वेजेस। तो क्विक रेसिपीज़ में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, जैसे सैंडविचेस हो गया, पास्ता हो गया, मैकरोनी हो गया, चाउमिन हो गया, काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। अभी मैंने कुछ ही इंक्लूड की हैं, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वैसे मैं अभी आगे और इंक्लूड करूँगी। तो इसमें मैंने मोस्टली अभी तो जो रेसिपीज़ ली थी वो सारी इंडियंस थी, इसमें एक दो ही थी जो हम बस खाली बर्गर ही मुझे लग रहा है जो नहीं है हमारे इंडियन रेसिपी। पर यही है कि बच्चों को अच्छा लगता है टिफ़िन में और जल्दी से प्रिपेयर हो जाता है, तो इसलिए इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सैंडविचेस, तो बर्गर भी हम काफ़ी टाइप से बना सकते हैं। अगर हम चीज़ बर्गर की बजाय दूसरा बर्गर बनाएंगे तो उसमें हम कोकुम्बर और टोमेटो स्लाइसेस ऊपर रख सकते हैं, और बीच और उसमें बीच में हम आलू टिक्की डाल सकते हैं, जो आलू टिक्की हम खाते हैं उसमें मैकडी में खाते हैं और जेट बर्गर किंग में खाते हैं, तो उस तरह से भी हम बना सकते हैं। उसके लिए खाली ऊपर हम वेजिटेबल्स डालते हैं बीच में, और नीचे सॉस होता है और बीच में वो आलू टिक्की डालते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। आलू टिक्की की भी रेसिपी मैं आपको आगे शेयर करूँगी आपके साथ। तो अभी इतना ही है, कुछ रेसिपीज़ की पिक्स हैं, मैं आगे इनको ये आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे सैंडविचेस हैं, हम इस तरह के सैंडविचेस बना सकते हैं। पुलाव, पुलाव भी बहुत जल्दी बन जाता है, और ये सैंडविचेस ही हैं सारे। मैगी, मैगी भी काफ़ी जल्दी बनती है। मैगी भी दो तीन तरीके से, एक प्लेन मैगी होती है, एक वेजिटेबल मैगी। ये पास्ता है हमारा, प्लेन पास्ता है ये हमारा, जो है जो पास्ता है थोड़ा वो था मसालेदार था। खिचड़ी है, खिचड़ी भी कभी कभी हम खा सकते हैं, दही के साथ खाते हैं। खिचड़ी भी अलग अलग फ्लेवर्स में बनती है। पुलाव जो है, बिरयानी, काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स में इसको बनाते हैं। मैकरोनी हो गई, मैकरोनी और कुछ वेजिटेबल्स भी, जैसे लेडी फिंगर, ब्रिंजल, प्लेन पनीर, रायता, ये जो वेजिटेबल्स हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे सेव की जो सब्ज़ी होती है वो भी काफ़ी जल्दी बनती है। तो ये सब मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि जब आप बनाने जाते हैं तो हम सोचते हैं कम टाइम में बन जाए, तो ये जो चीज़ें हैं मैं काफ़ी बार ट्राई करती हूँ। मैं हमेशा ज़्यादातर यही सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम कम होता है। तो आप भी कर सकते हैं, और इनकी रेसिपी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी, वेजिटेबल्स की भी। और वैसे मैं अभी आगे डालने वाली हूँ, तो मैं आगे कुक जो रेसिपी पार्ट टू में डालूँगी मैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बाकी लोग भी इसको यूज़ कर सकें, सबके ये काम आ सके, तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो सबके लिए यूज़फुल होगा। और आप मेरे अपडेट्स के लिए, बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।